नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने चैनल में। दोस्तों, आज मैं आपके लिए हैवी साइज के एक पैंट प्लाजो की कटिंग लेकर के आया हूं। यहां पे सबसे पहले हम नाप जानेंगे, फिर उसके बाद कपड़े के बारे में जानेंगे। जो हमें तैयार लेंथ रखनी है वो रखेंगे 34.5, ये तैयार होगी, एंकल लेंथ होगी। लेकिन आसन का फार्मूला निकालने के लिए हमें सलवार की यहाँ पे लेंथ चाहिए होती है, जो कि तैयार है हमारी 36.5। इसी नाप से हमें आसन का फार्मूला निकालना होता है कि हमें आसन कितने इंच का रखना है। तो यहाँ पे जो लेंथ हमने तैयार रखनी है, एंकल लेंथ 34.5, मोरी का नाप होगा हमारा 15 इंच, और हिप है हमारी यहाँ पे 50, मतलब हैवी साइज की हम यहाँ पे आपको पैंट की कटिंग बताने वाले हैं कैसे की जाती है। वेस्ट होगी हमारी 42, तो ये हमारा पूरा नाप होगा। और अब जान लेते हैं कपड़े के बारे में। दोस्तों, यहाँ पे जो कपड़ा है हमारे पास, ये 2.25 मीटर फैब्रिक है, और यहाँ पे हमने इस तरीके से ये बिछाया हुआ है। जो कन्नी वाले पार्ट होते हैं अपनी साइड ऐसे रखा हुआ है इस तरीके से, और इसको प्रेस से हमने अच्छे से सेट किया हुआ है। तो कटिंग के लिए सबसे पहले हम क्या करते हैं, ऊपर की साइड एक सीधा निशान लगाते हैं इस तरीके से। यहाँ पे ये हमने सीधा निशान लगा लेना है। जो हमने ये निशान लगाया है, यहाँ पे हम इंच टेप आधा इंच ऊपर की साइड निकाल लेंगे, क्योंकि ऊपर लगाना है हमें यहाँ पे बेल्ट, तो हमने आधा इंच यहाँ पे ऐसे निकाल लेना है। और यहाँ पे सबसे पहला निशान हमें लगाना है आसन का। तो आसन कैसे निकालते हैं मैं आपको बता देता हूँ। जितनी भी हमारी लेंथ होती है फुल, जैसे हमारी 36.5 है, तो यहाँ पे हम 36.5 इसका चौथा भाग करेंगे तो ये आ जाएगा हमारा 1.25 इंच, प्लस इसमें 1 इंच करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा 10.25 इंच। तो हमें 10.25 इंच यहाँ पे आसन का निशान लगाना है, जो कि आपको वैसे देखने में छोटा लगेगा, लेकिन छोटा बिल्कुल भी नहीं होगा, क्योंकि बैक साइड का हम आसन यहाँ पे बढ़ाते हैं। अब 10.25 इंच में आप 10.5 तक कर सकते हो, लेकिन इससे ज्यादा करने की जरूरत नहीं है, मैं आपको बता देता हूँ, क्योंकि हिप हैवी है तो हम 0.2 पॉइंट यहाँ पे बढ़ा लेते हैं। इसके बाद सेम इसी लाइन पे हम इस तरीके से इंच टेप लेकर के आएंगे नीचे, और जितनी हमारी लेंथ है 34.5 यहाँ पे निशान लगा लेंगे, और 2 इंच नीचे की साइड फोल्ड के लिए लगाएंगे यहाँ पे। तो ये हम सबसे पहले यहाँ पे इन निशानों को भी ऐसे बढ़ा लेते हैं आगे की साइड, ऐसे हमने बढ़ा लिए हैं। अब हम इसी निशान पे आ जाएंगे आसन वाले पे, तो आसन का भी यहाँ पे निशान हम इस तरीके से आगे तक बढ़ा लेंगे, ये हमारा आसन का हो जाता है। एक निशान लगाना होता है हमें घुटने का, तो फिर उसी सेम में यहाँ पे जैसे हमने पहले इंची टेप रखा था सेम वैसे ही रखेंगे, और जो घुटने का नाप आएगा हमारा 17.5 से 18 इंच पे आता है, ये ध्यान रखें। तो यहाँ पे हमने 17.5 पे घुटने का निशान भी लगा लिया है। इस साइड में हम बिल्कुल सीधा करने के लिए कपड़े को ऐसे यहाँ पे निशान लगा लेंगे, ये हमने सीधा करने के लिए कपड़े को निशान लगा लिए हैं। अब आ जाते हैं साइज। तो साइज कैसे निकालते हैं, साइज भी मैं आपको यहाँ पे बता देता हूँ। साइज जो निकलता है यहाँ पे वो निकलता है हिप के अकॉर्डिंग। जितनी हमारी हिप होती है सबसे पहले हमें उसी के हिसाब से यहाँ पे निशान लगाना है चौथे भाग का। तो ये हमारा यहाँ पे 50 हिप है, तो हम यहाँ पे 12.5 इंच पे पहला निशान लगाएंगे यहाँ पे इस तरीके से। ये देखिए, मैं आपको यहाँ पे दिखा देता हूँ इस तरीके से, यहाँ पे 12.5 इंच पे हमने पहला निशान लगाना है, क्योंकि हिप है हमारी यहाँ पे 48 के हिसाब से हमारा 12.5 इंच बनता है। इसके बाद हमें यहाँ पे लूजिंग देनी है, लूजिंग हमें यहाँ पे 1.5 इंच की कम से कम देनी होगी, और उसके बाद हम आगे की साइड यहाँ पे 2.25 इंच का एक निशान लगाएंगे। जो हमारा ये बीच वाला निशान आता है, इस निशान को हम यहाँ पे सीधा कर लेंगे, ऐसे यहाँ पे सीधा कर लेंगे इस तरीके से, और यहाँ पे डाल देंगे गोलाई। ये देखिए, हमने यहाँ पे ये साइज हमारा टोटल यहाँ पे जो निकल करके आएगा 16.5 आएगा, 16.5 इंच हमने यहाँ पे तैयार ये नाप रखना है। तो साथ ही हम इसके हाफ हिस्से में एक निशान लगा लेंगे 8.25 इंच पर, इसी तरीके से यहाँ पे लगाएंगे 8.25 पे, और इसी तरीके से यहाँ पे भी हम 8.25 इंच पे निशान लगा लेंगे। तो ये हमारा मोरी का सेंटर हो जाएगा, और ऊपर से भी पूरा ये सेंटर पॉइंट हमारा बन जाएगा। इसी सेंटर पे हम यहाँ पे जो डट डलती है 4 इंच की डट डालेंगे, लेंथ होती है 4 इंच से 4.5 इंच तक, और चौड़ाई में डालते हैं ये 1.5 इंच तक। तो ये हमारी यहाँ पे डट आ जाएगी।
अब हम फिर से नीचे वाली साइड जाएंगे मोरी वाले पॉइंट पे, और जितनी हमारी मोरी होती है जैसे 15 है तो उसका हम हाफ हिस्सा करेंगे, तो यहाँ पे हमें 7.5 इंच रखनी है मोरी का नाप, तो 7.5 का यहाँ पे सेंटर पॉइंट का आपने ध्यान रखना है, 4.25 इंच इधर रखेंगे और 4.25 इंच इधर, तो ये हमारा टोटल 7.5 हो जाएगा। अब हमारी सेफ फट्टी यहाँ पे ये देखिए इस तरीके से सेफ फट्टी रखेंगे ऐसे, और सेफ फट्टी यहाँ पे आप कम ज्यादा जैसे भी कर सकते हो सेव, जैसे ये है अगर हम ऐसे देंगे तो ज्यादा सेव आ जाएगी, वो पहनने वाले एक पे डिपेंड करता है किस तरीके की फिटिंग डालते हैं, तो मैं यहाँ पे नॉर्मली देता हूँ क्योंकि जो हैवी साइज है पैंट प्लाजो में वो नॉर्मल से भी दी जाती है। अब हम दूसरी साइड यहाँ पे इस तरीके से सेम ऐसे ही निशान लगा लेंगे और यहाँ पे हल्की सी ऐसे गोलाई दे लेंगे, तो ये देखिए सभी निशान हमने यहाँ पे कंप्लीट कर दिए हैं, ये मोरी वाला निशान हो जाता है यहाँ पे और ये सभी निशान हमने यहाँ पे लगा लिए हैं। तो दोस्तों अब हम इन्हीं निशानों के ऊपर यहाँ पे कटिंग कर लेंगे, तो ये देखिए दोस्तों हमने पूरा फ्रंट यहाँ पे आपको कटिंग करके दिखाया है और ये परफेक्ट तरीका है, हैवी साइज में भी हम ऐसे कटिंग यहाँ पे कर सकते हैं। अब हम बिछाएंगे बैक साइड के लिए कपड़ा, क्योंकि फ्रंट हमने कटिंग कर लिया है, जो हमारे पास ये कपड़ा बचता है तो ये भी हम ऐसे ही बिछा लेते हैं, इसमें से कटिंग करेंगे बैक साइड। बैक साइड का कपड़ा नीचे रहेगा और ऊपर हम यहाँ पे ये बिछा लेंगे फ्रंट ऐसे इस तरीके से, और ऊपर की साइड तकरीबन 3-3.5 इंच एक्स्ट्रा होना चाहिए कपड़ा, आपने ये ध्यान रखना है। अब हम यहाँ पे इस पॉइंट पे निशान को सीधा लगाएंगे और एक यहाँ पे निशान को सीधा ऐसे बढ़ाएंगे आगे तक और एक मोरी वाले पॉइंट पे, और यहां से हम ध्यान देंगे यहां से नीचे से 1.25 इंच और इस पॉइंट से 1.5 से 1.75 इंच और इस पॉइंट से यहाँ पे कम से कम 2.5 से 1.75 इंच, क्योंकि हैवी साइज है यहाँ पे 2.5 से 1.75 इंच हमें लेना है, ये ध्यान रखना है। अब जो फ्रंट का आसन आता है इस आसन को हम यहाँ पे बैक साइड के लिए इस तरीके से बढ़ा लेंगे ऐसे और यहाँ पे डाल देंगे गोलाई, और इन निशानों को सेफ फट्टी की मदद से जैसे पहले मिलाया था ऐसे ही अब मिला लेंगे। ये देखिए हमने सभी निशान यहाँ पे मिला लिए हैं और सभी निशान हमने कंप्लीट कर लिए हैं। अब सभी निशान कंप्लीट करने के बाद एक चीज हमारी यहाँ पे रह जाती है जो कि सबसे मेन जरूरी है। देखिए अगर हम फ्रंट का यहाँ पे आसन देखेंगे तो हमें छोटा लगेगा कि इतने हैवी साइज में ये आसन फंस जाएगा, लेकिन हमें आसन बढ़ाना कहां से होता है, बैक साइड से, तो क्योंकि हिप हैवी होती है तो बैक साइड से ही हमें यहाँ पे आसन बढ़ाना होता है। हमें यहाँ पे 3.5 इंच बैक साइड का आसन बढ़ाना है कम से कम, ये ध्यान रखें 3.5 इंच 50 साइज है हिप का, तो हम यहाँ पे 3.5 इंच इसको बढ़ा के चलेंगे और इस तरीके से हम इस निशान को यहाँ पे मैच करेंगे। ये देखिए मैंने कितना आसन यहाँ पे बढ़ाया है, अगर आप इस तरीके से कटिंग करोगे तो बिल्कुल भी आपको यहाँ पे कोई भी दिक्कत नहीं आने वाली। और सभी जगह से कैसे कैसे बैक साइड बढ़ाई जाती है सारी चीज मैंने एक एक आपको यहाँ पे समझा दी है। इस साइड की कटिंग हमारी बिल्कुल बराबर रहती है जो कि ये साइड आती है, और जो अंदर वाली साइड की हम यहाँ पे बैक साइड की एक्स्ट्रा कटिंग करते हैं, फिर ऊपर की साइड जितना हैवी साइज होता जाता है हम यहाँ पे बैक साइड बढ़ा के कटिंग करते हैं, तभी हमारा यहाँ पे आसन बिल्कुल परफेक्ट आता है। फ्रंट में हमें छोटा आसन चाहिए होता है, लेकिन हिप हैवी होने के कारण हमें बैक साइड में आसन को बढ़ाना होता है। अब हम इन्हीं निशानों के ऊपर कटिंग कर लेंगे।
तो ये देखिए दोस्तों, हमने बैक साइड वाला पार्ट भी यहाँ पे कटिंग कर लिया है और फ्रंट वाला भी यहाँ पे कटिंग कर लिया है। पूरा पैंट हमने यहाँ पे काट के आपको दिखाया है किस तरीके से कटिंग की जाती है, कैसे हम आसन निकालते हैं और कैसे हम यहाँ पे थाइज का नाप निकालते हैं। सिर्फ हमें जो नॉर्मल नाप लिया जाता है उसी के अकॉर्डिंग यहाँ पे हमने पूरी यहाँ पे आपको आसन की और थाइज की पूरी कटिंग बताई है, किस तरीके से हम आसन को बड़ा करते हैं, बैक साइड कैसे उठा के कटिंग करनी होती है। तो 50 साइज में भी हमने यहाँ पे बहुत आसान तरीके से आपको ये कटिंग बताई है। तो दोस्तों, आज की ये वीडियो आपको कैसी लगी प्लीज कॉमेंट करके जरूर बताएं और इस वीडियो को शेयर व लाइक जरूर करें। धन्यवाद दोस्तों।